बीते 8 मार्च पुलिस को एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला था, जिसकी हत्या किसी तेज धार हथियार से गला रेत कर की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। पहले तो पुलिस को शव की पहचान के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और बाद में कपड़ों पर लगे एक टैग से पता चला कि मृतक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और पत्नी के साथ गड़ी बोलनी रोड पर राजमिस्त्री का काम करता था। इसके आधार पर पुलिस ने छानबीन को आगे बढ़ाते हुए अपना काम शुरू किया। सबसे पहले शव के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी के संबंध अलीगढ़ के एक ठेकेदार से थे। पुलिस की जांच से सामने आया कि पत्नी और उसके आशिक ने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की है। हत्या का प्लान दोनों ने पहले से ही बना रखा था और अपने प्लान के अनुसार दोनों उसे खेतों में ले गए, जहां पहले तो उसे खूब शराब पिलाई और बाद में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बाद में तेज धार हथियार से उसका गला भी काट दिया। फिलहाल हत्या में शामिल ठेकेदार आशिक पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी मृतक की पत्नी को लेने पुलिस दल छत्तीसगढ़ गया हुआ है। 8 दिन को दामला गांव में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी के खेतों में नहर के साथ डेड बॉडी मिली थी, जिसका गला कटा हुआ था। उस पे उसकी आइडेंटिफिकेशन रामस्वरूप आरओसी छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। ये गड़ी बोलनी रोड पे मिस्त्री का काम करता था, वहीं परिवार समेत रहता था और इसके साथ ही एक हरिंदर नाम का लड़का इसका ठेकेदार था। वो यूपी का अलीगढ़ का रहने वाला था और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान CDR के जब प्राप्त करी उनकी सब लोकेशन वगैरह डंप्स वगैरह उठाए तो इस बात सामने आई कि जो लड़का हरेंद्र इसका ठेकेदार था और मरने वाले की मिसिज सरोजनी, इनके दोनों के अवैध संबंध थे और इन दोनों ने उसको शराब पिलाकर उसको चाकू से गला काट कर मारा। नहीं, इसकी पत्नी अभी अरेस्ट नहीं हुई है क्योंकि हमारी पुलिस टीम छत्तीसगढ़ गई हुई है और उसको हरेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया। ये दो ही आदमी थे, दोनों ने शराब पिलाकर उसको पहले उसका गला घोटकर उसके बाद गला काट। हिंद एक्सप्रेस के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।